स्क्रीन पर दिख रहे ये तीन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोप है कि इन तीनों ने 2 महीने पहले IIT BHU की छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। गिरफ्तारी के बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि ये तीनों BJP IT सेल से जुड़े हुए हैं। BJP के बड़े नेताओं के साथ इन तीनों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें शेयर कर विपक्ष के नेता BJP पर हमलावर हैं। आपको बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। एक तस्वीर में तो दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हुई इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं। आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है। पुलिस ने उस बुलेट बाइक को भी बरामद कर दिया है जिसका इस वारदात में इस्तेमाल किया गया था। कुणाल पांडे BJP IT सेल वाराणसी का महानगर संयोजक, सक्षम पटेल IT सेल का वाराणसी महानगर सह संयोजक, जबकि आनंद IT सेल वाराणसी महानगर का कार्य समिति सदस्य है। आरोप है कि IIT कैंपस में आधी रात को बुलेट से आए तीन लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे। छात्रा के कपड़े उतरवाकर आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया था। घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा की मांग को लेकर IIT BHU में लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस पर पीड़िता के बयान को बदलवाने, दबाव बनाने और जांच में भी ढिलाई बरतने के आरोप लगे। बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियों की मांग है कि इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले और सरकार इन्हें संरक्षण न दे।